Very good morning and welcome back class 8 students. I hope you all are good. So we will continue the chapter number 8, the outdoor dog, in which previous class we have done about Kevin and his love for dog, right? So we will continue on the page number 61 and we will learn about the fire, which was the name of the dog. She was taken aback as she looked at this homely dog with the little hair. यानी कि वो क्या करती है, वो उस डॉग की तरफ देखती है, ठीक है. दिस होमली डॉग विद अ लिटिल हेयर, यानी कि जो डॉग थी बहुत ही कम हेयर्स के साथ थी, उसको देखती है. द मट लुक्ड लाइक शी हैड बीन बैडली वाउंड. अब जो डॉग की जो ब्रीड थी वो कैसी लग रही थी, वो ऐसी लग रही थी कि वो बहुत बुरे तरीके से जल चुकी है. आफ्टर शी गोट ओवर द इनिशियल शॉक of such a sight, she asked, has the dog been burned? यानी कि उसको पूरी तरह से देखने के बाद जो केविन की मदर होती है वो एक क्वेश्चन पूछती है, क्या ये जो डॉग है वो पूरी तरीके से जल चुका था. आई यू श्योर दिस वुड बी द राइट डॉग फॉर केविन. क्या आपको लगता है ये जो डॉग है वो बिल्कुल सही है केविन के लिए. द ओल्ड मैन लुक्ड एट केविन एंड नोटिस हिज आइज वर मिस्टेड विद टीयर्स. अभी जो ओल्ड मैन था वो केविन की आंखों में देखता है, उसकी आंखें जो हैं खुशी के मारे खुशी से भरी हुई थी. ओ आई हैड बेट माई लाइफ ऑन इट मैम, ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड. मतलब वो कहता है कि मैं आपको बेट लगा सकता हूँ, यानी कि ये जो डॉग है आपके बेटे के लिए परफेक्ट डॉग है. मैम ही इंक्वायर्ड, वो एक क्वेश्चन पूछता है, डिड यू नॉट हियर अबाउट द डॉग दैट ले ऑन टॉप ऑफ द लिटिल गर्ल टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर. मैम आपने नहीं सुना है कि एक जो डॉग है वो छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गया था जब एक जंगल में जो है आग लगी थी. तो दिस वॉज़ द डॉग विच वॉज़ फीचर्ड इन द लोकल पेपर. अभी यही वो डॉग है, यानी कि वो फायर ही थी जिसने उस छोटी सी लड़की को बचाया था. द डॉग सेव्ड द लिटिल गर्ल्स लाइफ एंड जस्ट अबाउट लॉस्ट हर आर्म. ये वही डॉग है जिसने उस छोटी सी बच्ची को बचाया था लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं करी थी. She thought for a bit and answered, well, of course I did. The old man continued, no one has taken her because of how she looks and I would have put her to sleep, but it was hard for me to end a life that saved another, he replied. वो थोड़ा सा सोच के जवाब देती हैं केविन की मदर, और फिर वो कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैंने बिल्कुल सुना है. तो इसी के साथ जो ओल्ड मैन है वो कंटिन्यू करके कहते हैं कि अभी तक जो है किसी ने भी फायर को नहीं लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इसके लुक्स के कारण, कि उसकी बुरी तरीके से जली हुई थी. और मैं इसको कोशिश करता हूँ इसको सुलाने की, लेकिन मेरे लिए बहुत हार्ड था कि किसी की लाइफ को एंड कर देना, ठीक है, किसी दूसरे की लाइफ को एंड कर देना और दूसरे की लाइफ को बचाने के लिए खुद की लाइफ को एंड कर देना. Do you want this dog, Kevin? Sounds like you had have a yourself a hero like Lassie. If we brought her home. अभी केविन की जो मदर है उनसे पूछती हैं कि क्या तुम इस डॉग को लेना चाहोगे. ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद को एक हीरो मिल चुका है इस डॉग के फॉर्म में. केविन्स आईज हैड फुल डाउन टीयर्स इन देम. आई वॉन्ट हर मम, कैन वी टेक हर बैक विद अस. मतलब जो केविन की आंखें थी वो खुशी से बिल्कुल भर चुकी थी. उसने एक ही रिप्लाई दिया कि मैम मुझे यही डॉग चाहिए, क्या हम इसे घर पे लेके जा सकते हैं. शी क्विकली ग्लैंस्ड एट द ओल्ड मैन हु वाज मूव्ड टू टीयर्स हिमसेल्फ एट दिस पॉइंट. अभी जो है केविन की मदर जो है यस आंसर के साथ जो है ओल्ड मैन की तरफ टर्न करके कहती हैं, जो कि खुद जो है रो रहे थे उस टाइम. शी इज़ आवर्स स्वीटहार्ट. अभी केविन की मदर कहती हैं ये अब हमारे हैं. They took fire home and she never left Kevin's side and was his constant companion. अभी जो फायर है वो केविन और उसकी मदर के साथ घर पर आ जाते हैं, और उसके बाद जो है फायर केविन की कभी भी उसने साइड मतलब उसके साथ नहीं छोड़ा और उसकी हमेशा बेस्ट फ्रेंड की तरह उसके साथ रही. एवरी नाइट केविन वुड से हिज प्रेयर्स व्हेन हिज मदर वुड टक हिम इन एंड ही नेवर फेल टू प्रेयर फॉर फायर टू हील एंड गेट बैक हर हेयर. अभी हर रात को सोने से पहले वो जो है प्रेयर मतलब फायर के लिए प्रेयर करके सोता था कि जो फायर है वो मतलब सही हो जाए, बिल्कुल उसके जो हेयर्स हैं वो वापस आ जाएं. आफ्टर अबाउट 5 वीक्स केविन्स कॉन्स्टेंट प्रेयर्स वर आंसर्ड. यानी कि 5 वीक्स की प्रेयर करने के बाद, यानी कि कंटिन्यूसली प्रेयर करने के बाद उसकी जो प्रेयर्स को आंसर यानी कि क्या होने स्टार्ट हो गया था. एज द वंस टेरिबली डिसफिगर्ड दिस फिगर्ड हेयर ऑफ केविन्स डॉग रैपिडली ग्रू बैक. यानी कि जो
केविन के जो डॉग था उसके साथ जो फार्म इतना बुरे तरीके से वो जल चुकी थी, उसके जो डॉग के जो बाल थे वो दोबारा आने स्टार्ट हो गए थे। द मोर फायर्स हेयर ग्रू बैक द मोर शी रिसेम्बल्ड लेसी। जैसे जैसे फायर के हेयर्स वापस आते जा रहे थे वो बिल्कुल लेसी की तरह लग रही थी। केविन्स मदर कॉल द ओल्ड मैन एट द डॉग पाउंड वन डे एज शी बिकम वेरी क्यूरियस। एक दिन क्या हुआ कि केविन के मदर ने क्या किया, केविन की मदर ने उस शेल्टर में यानी कि डॉग पाउंड में फ़ोन किया उनसे, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए कि मतलब ये लेसी की तरह क्यों लग रही है। द ओल्ड मैन आंसर्ड द फ़ोन, कॉर्बिन काउंट्री डॉग पाउंड, माई नेम इज़ जॉय एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। वहाँ से जो है ओल्ड मैन ने आंसर किया कि कॉर्बिन काउंट्री पाउंड जो डॉग पाउंड का नेम था, ठीक है मेरा नाम जॉय और मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। हाई जॉय, आई केम इन मंथ अगो विद माई सन एंड वी टुक अ डॉग नेम फायर। मतलब वो कहती है हाय जॉय, मैं और मेरा बेटा जो है एक महीने पहले आपके पास आए थे और हमने एक डॉग लिया था जिसका नाम फायर था। येस मैम, ही रिप्लाइड हैप्पीली, आई एम ग्लैड यू कॉल्ड, आई हैव बिन वंडरिंग हाउ बोल्ड फायर वॉज, शी आस्क्ड। अभी आगे से येस मैम, आई मुझे अच्छे से याद है, वो खुशी से कहता है और मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से मतलब फायर कितनी ज़्यादा बोल्ड थी। शी आस्क्ड, वेल जॉय आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग अबाउट फायर, वट काइंड ऑफ अ मत इज़ फायर। मतलब ओके ठीक है जॉय, मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है फायर के बारे में कि किस तरह का मट है वो, मतलब कि किस तरह की ब्रीड है वो। द ओल्ड मैन चकल बिफोर रिप्लाइंग, मैम फायर इजंट मट। मतलब वो थोड़ा सा रिप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हंस के जवाब देता है कि फायर किसी तरह की ब्रीड मतलब मट नहीं है। इफ़ शी इज़ मट, वट काइंड ऑफ डॉग शी इज़, अगर वो मट नहीं है तो किस टाइप की डॉग है वो। He chuckled again and replied, "Fire is a mama and Jerry are both show dog. Fire is a full-bred collie." अभी वो फिर से हंस के रिप्लाई करता है, वो कहता है कि जो फायर है वो मामा भी है और डैड भी है, ठीक है दोनों टाइप की डॉग्स में आती है, और वो जो है फायर जो है फुल कॉली ब्रीड की है। तो एक तरह से इससे क्या आपको पता चलता है कि जिसको केविन इतना डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्टिंग से ही वांटेड, यानी कि वो लेसी चाहता था, कॉली की ब्रीड चाहता था, उसको वही मिली और किस तरीके से मिली। यानी कि इफ़ वी शो डिटर्मिनेशन टू आर वर्क, अगर हम किसी चीज़ को इतनी डिटर्मिनेशन के साथ अगर चाहते हैं कि हमें वो मिले और अगर वो लास्ट में आके हमें वो मिलती है तो इट्स लाइक वी आर काइंड हैविंग अ हेवन, राइट। तो यहाँ पर भी उसी के साथ यही हुआ, केविन को अपना मनपसंद डॉग मिला और वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन चुका था। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।